गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे हम लोग जुरिसप्रूडेंस के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग अभी इसी चैप्टर से हम कर रहे हैं कि मुझे हमें पता चलना चाहिए कि हमारे देश में जुरिसप्रूडेंस क्यों आया इन फील्ड ऑफ फार्मासी, फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रूडेंस क्यों आया, लेजिस्लेशन की जरूरत क्यों पड़ी इंडिया में। तो इसलिए आज हम ये चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जुरिसप्रूडेंस पर क्यों आए हमारे देश में, हम क्यों पढ़े जुरिसप्रूडेंस, और उसके बाद इसमें एक और टर्मिनोलॉजी जुड़ा हुआ है फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रूडेंस। एक्चुअली जुरिसप्रूडेंस क्या है, एक सब्जेक्ट है जो मेनली पढ़ते हैं लॉ वाले स्टूडेंट, बट आपको भी एक पढ़ना है। तो वो आपको सिंपल जुरिसप्रूडेंस नहीं है, फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रूडेंस है। जुरिसप्रूडेंस का एक भाग फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रूडेंस जो है वो सिर्फ आपको पढ़ना है, बाकी जुरिसप्रूडेंस जो है वो लॉ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो कमिंग टू टॉपिक, जो हमारा वर्ड है जुरिसप्रूडेंस वो इंग्लिश डेरिवेशन है लैटिन वर्ड का, जिसका नाम है जुरिसप्रूडेंसिया। तो जुरिसप्रूडेंसिया का मतलब क्या होता है कि कोई भी नॉलेज, कोई भी स्किल्स जो लॉ के रिलेटेड हो, कानून के रिलेटेड हो, उसको हम लोग जुरिसप्रूडेंस बोलते हैं। तो ये तो जुरिसप्रूडेंस था, मतलब तो जितने भी तरह के लीगली प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं हम, वो सारे हमारा जुरिसप्रूडेंस के अंतर्गत आता है। अब फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रूडेंस की क्या जरूरत पड़ी या फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रूडेंस क्या है, तो जितने भी तरह के लॉ जो आ रहे हैं वो हमारा क्या है, वन मिनट, जितने तरह के जो हमारे लॉ आ रहे हैं वो हमारा क्या है, जो फार्मेसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, दैट इज फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रूडेंस। मतलब फार्मेसी के इर्द गिर्द घूमने का मतलब है कि जितने भी कानून जो ड्रग से संबंधित हो, फार्मास्यूटिकल से संबंधित हो, या फिर फार्मेसी प्रोफेशन से संबंधित हो, तो वो हमारा फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रूडेंस है। जितने भी कानून बन रहे हैं, जितने भी लेजिस्लेशन बन रहे हैं, अगर वो फार्मेसी के रिलेटेड में हो, ड्रग्स से रिलेटेड हो, फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड हो, तो इसको हम लोग फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रूडेंस बोलते हैं। तो अब इसमें क्या है, एक दूसरे वर्ड में क्या करते हैं कि लॉ रिलेटेड टू ड्रग्स, मेडिसिन, कॉस्मेटिक, फार्मासिस्ट एज वेल एज फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन, तो वो हमारा जुरिसप्रूडेंस है, फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रूडेंस है। एक और वर्ड आता है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या है, जो भी कानून बनाए गए उसको हम लोग, न्याय को हम लोग लेजिस्लेशन बोलते हैं। अगर यही लेजिस्लेशन फार्मेसी रिलेटेड है तो उसको हम लोग फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन बोलते हैं। इसमें क्या है कि हमारा सिर्फ फार्मेसी से रिलेटेड नहीं है, हम सोशल भी सोचते हैं। सोशल कैसे सोचते हैं, अब हमको लगेगा कि ये तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन है, इसका सोशली इकोनॉमिक एस्पेक्ट से क्या मतलब है। तो सोशली इसलिए समझते हैं, सोचते हैं, अगर मान लीजिए ड्रग्स है, अगर वहां पे कोई न्याय नहीं हो तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक आदमी, अगर यहाँ पे कानून नहीं हो कि ड्रग प्राइस कंट्रोलर रहे या अल्कोहल रिलेटेड रहे, तो क्या है कि बहुत ज्यादा सब एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट मार्केट में आने लग जाएगा, तो लोग वहां पे सोशली नहीं समझेंगे, सभी अपना प्राइस बढ़ा देंगे। ड्रग प्राइस के अंतर्गत क्या होता है कि प्राइस कंट्रोल किया जाता है, दवाई की प्राइस कंट्रोल किया जाता है, जो हम आगे मॉड्यूल में पढ़ेंगे। तो अब वहां पे क्या है कि सभी इंडस्ट्री वाले अपना मनमाना करेंगे, सोशली नहीं समझेंगे या इकोनॉमिकली नहीं समझेंगे, तो वो अपना इकोनॉमिक बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, बहुत ज्यादा ज्यादा कीमत में दवाइयां बेचेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, एक लेजिस्लेशन है जो फार्मेसी को सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से जोड़ता है। अब यहाँ पे इसका स्कोप क्या है, क्यों इम्पोर्टेंस है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए लेजिस्लेशन का, फार्मास्यूटिकल कोई भी चीज हमारे जिंदगी में आती है तो उसका कोई एक खास मकसद होता है। तो ये जो कानून हम पढ़ रहे हैं तो इसका भी एक खास मकसद है। अब क्या मकसद है, तो ये जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन है, इसका फर्स्ट स्कोप क्या है कि हम जो भी पब्लिकली दवाइयां जा रही है, यहाँ पे हमने सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट पढ़ा, तो वहां पे भी ये इंटर रिलेटेड है कि जो भी दवाइयां यहाँ पे अवेलेबल है वो क्या है कि पब्लिक में रिजनेबल प्राइस पे मिले, सभी को रिजनेबल प्राइस पे मिले। ये नहीं कि बहुत ज्यादा हाइप वाला दाम है, बहुत ज्यादा दाम है, 2000 पैरासिटामोल 2000 रुपए में मिल रहा है, फिर जो गरीब लोग हैं वो कैसे खरीदेंगे। तो एक रिजनेबल प्राइस पे मिले और क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा मिले। क्वालिफाइड कहने का मतलब है कि पर्सन के पास जो भी ये दवाइयां दे रहे हैं उसके पास एटलीस्ट फार्मासी की डिग्री हो या डिप्लोमा होल्डर्स हो, बट फार्मासी रिलेटेड हो। क्वालिफाइड पर्सन कहने का मतलब यही है। उसके बाद क्या है कि हमारा जो भी हेल्थ केयर है उसको हम लोग प्रमोट करें। अब ये कैसे प्रमोट करेगा, तो
मैन्युफैक्चर रहे, डिस्ट्रीब्यूशन रहे, तो वो गुड क्वालिटी के ड्रग्स रहे। ऐसा नहीं कि एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हैं, इंडिजीनियस प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हैं, इंफीरियर प्रोडक्ट्स मार्केट में दे रहे हैं। तो वहाँ पे नियम बनना चाहिए कि हाँ, इस क्वालिटी के ही आईपी को फॉलो करना चाहिए दवाई वाला। अगर नहीं हो रहा है तो वो सारे बैच निकल जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं अगर क्वालिटी क्यूसी में सही नहीं आया तो। उसके बाद क्या है कि जो एडवर्टीजमेंट है, आप देखे होंगे बहुत सारे हमारे देश में भ्रामक एडवर्टीजमेंट होती है। अब ये भ्रामक एडवर्टीजमेंट क्या है, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट है जहाँ पे मैजिक रेमेडीज वाले में, तो ये भी हम आगे चल के मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे क्या है। बट थोड़े शॉर्ट में मैं आपको बता दूँ वो क्या है कि उस एक्ट के तहत आप कोई भी भ्रामक एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते या जादू तंत्र वाला कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते जो पब्लिक को भ्रमित कर रही हो। जैसे आपने कह दिया कि आप डेली का बैलेंस डाइट मतलब हमारा ये प्रोडक्ट करो, ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट वाला हमारा प्रोडक्ट रहो, आपको प्रोटीन अलग से खाने की कोई जरूरत नहीं है या फिर आप अपने डाइट में प्रोटीन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इस टाइप का आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, पब्लिक को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो इसके तहत क्या है कि यहाँ पे लोगों को सुरक्षा मिलता है इस टाइप में। अगर कोई इस टाइप के करते हैं तो उसको बहुत सारे पेनाल्टीज हैं, जितने भी ऑफेंसेज हैं सभी के पेनाल्टीज भी हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पब्लिक को वो सेफ कर रहा है इस टाइप के भ्रामक एडवर्टीजमेंट से। नेक्स्ट क्या है कि जो हमारा इंडिजीनियस सिस्टम है रिसर्च टेक्नोलॉजी का, इंडिजीनियस सिस्टम कहने का मतलब है देसी टाइप का, स्वदेशी वाला, उसको प्रमोट करना। अभी हमारे देश में बहुत सारी चीज स्वदेशी को प्रमोट किया जाता है, तो फार्मास्यूटिकल्स के अंतर्गत भी जो विदेशों से दवाइयां आ रही हैं उसकी जगह पे देश में ही ज्यादा इंडस्ट्री लगाया जाए, इस बात को प्रमोट कर रहा है। तो हमारा भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और देश में अगर बन रहा है कोई भी चीज तो क्या हो रहा है कि प्राइसेस भी कम हो रहे हैं। उसके बाद फिर लास्ट पॉइंट क्या है कि फार्मेसी के प्रोफेशंस को रेगुलेट करना, उसको सुचारू रूप से चले, तो ये भी फार्मास्यूटिकल्स का लेजिस्लेशंस का एक काम है। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि क्या है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, क्या है जुरिसप्रूडेंस, क्या है फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रूडेंस का स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बट हमें क्यों जरूरत पड़ी, कानून बनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, तो कुछ जरूरत पड़ी होगी, इसीलिए ये कानून आया। फार्मास्यूटिकल पे लोग बैठे, कमिटी हुआ, उसके बाद कानून बनाया गया। तो अब ये जो कानून बनाया गया क्यों बनाया गया, तो सबसे पहले हमारे देश में कलकत्ता में एक केमिस्ट का शॉप खुला था। तो केमिस्ट का शॉप खुला था तो वो अभी के जैसा केमिस्ट का शॉप नहीं था। जैसे अभी आप दुकान में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, तो वहां पे आप जो देखते हैं कि पूरा फुल ऑर्गेनाइज है, सभी की दवाइयां मिल रही हैं, तो ये कंडीशन उस वक्त नहीं था। तो सबसे पहले जो बैथगेट ने 1811 में कलकत्ता में एक लगाया था, और ये मिस्टर बैथगेट इंडियन नहीं था, ये बाहर का आया हुआ था, तो जनरल स्कॉट का था ये आदमी। तो ये क्या है कि एक फिल्म स्टार्ट किया, जो पहले क्या किया कि पहले कुछ छोटा मोटा दवाइयां दे रहा था और वो डिस्पेंस करके दे रहा था, मतलब ऑर्डर फॉर्म में। तो उस वक्त पूरा फुल्ली जो अभी आप टैबलेट देख रहे हैं, कैप्सूल देख रहे हैं, उस वक्त नहीं होता था, वो लोग मिक्स करके खुद बना के देते थे। उसके बाद उसका यही फिल्म क्या किया, टिंचर बनाना स्टार्ट किया 1910 में। उस वक्त तक 1910 तक हमारे देश में कोई भी ड्रग इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं थी। उसके बाद 19th सेंचुरी के एंड होते होते कुछ एक दवाइयां इंडस्ट्री हमारे देश में चालू हुआ, बहुत सारी कंपनी हुई, क्योंकि उस वक्त हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, अंग्रेज लोग आ गए थे। तो हमारे देश में क्या है कि हम लोग पहले संसाधनों से बहुत धनी थे, हमारे देश में बहुत ज्यादा संसाधन थे, जितने भी क्रूड मटेरियल्स थे वो सारे हमारे देश में बहुत थे। तो ये लोग क्या करते थे कि हमारे देश का क्रूड फॉर्म ऑफ ड्रग्स वो एक्सपोर्ट करते थे, अपने देश ले जाते थे, बाहर विदेशों में जाया करता था, वहां पे जो फिनिश प्रोडक्ट था दवाइयां बना के हमारे देश में आता था। तो अब ये जो क्रूड फॉर्म ले गया, मान लीजिए सिंपली एंटीबायोटिक बनाना हो हल्दी से, तो हल्दी इसने बहुत ही कम पैसे में खरीदा और वहां से जो दवाइयां आई उसमें टैक्स लग जोड़ते हैं, काफी ज्यादा पैसे में इंडियंस को दे रहे हैं, तो वैसे ही शोषित हो रहे हैं इंडियंस। उसके अलावा क्या है कि वहां पे कोई आईपी नहीं था, कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं था जिसमें कि आप दवाइयां में इतना बनाए। जैसे अभी आईपी के अनुसार अगर पैरासिटामोल है तो 500 mg बनना है, तो लगभग सभी का 500 mg है।
तो लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, उस वक्त ऐसा कोई भी चीज, कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाता था दवाइयां बनाने के लिए। उसके अलावा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, देश का कंडीशन और खराब हुआ, हमारे देश का कंडीशन के साथ साथ पूरा वर्ल्ड का कंडीशन, और खास करके जो शोषित देश से किसी के अंदर में गुलामी कर रहे थे उनके और ज्यादा खराब हुए। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमारे देश में जो दवाइयां हैं उसके भूचाल आ गए, बहुत ज्यादा विस्फोट हुआ दवाइयों का, लेकिन अच्छी दवाइयां नहीं, कोई इंडिजिनियस दवाई है, इम्पोर्टेड इंफीरियर क्वालिटी की दवाई है, एडल्ट्रेटेड है, मिक्स दवाइयां हैं, मिस ब्रांडेड दवाइयां हैं, सब स्टैंडर्ड दवाइयां हैं, इस टाइप का कोई भी स्टैंडर्ड दवाइयां नहीं आई, तो वो इस टाइप के दवाइयों से पूरा मार्केट भर गया। कोई दवाइयां, अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि हल्दी की जगह पे कुछ और मिला दिया जा रहा था, सिंपली एग्जाम्पल के लिए मैंने बता रहा है, मैं बता रही हूँ। उसके अलावा और क्या हुआ कि मिस ब्रांडेड, एक ब्रांड दूसरा दूसरा ब्रांड का दवाइयां मिल रहा है, कोई कॉपीराइट नहीं है। उसके बाद और क्या है कि अगर आईपी के अनुसार, आईपी तो फॉलो, कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा, पैरासीटामोल है तो 100 mg पैरासीटामोल है, बाकी एक्सपिरेंट है, तो इस टाइप की दवाइयां पूरे मार्केट में आ गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों का, ऑब्वियस सी बात है, तबीयत तो खराब हो गई ऐसी दवाइयां खा के, लोग मर भी बहुत ज्यादा रहे थे, तो कोई भी लेजिस्लेटिव कंट्रोल नहीं था, कोई भी सरकार का कंट्रोल नहीं था दवाइयां बेचने पे या इस टाइप के दवाइयां को चेक करने के लिए कि हाँ गलत दवाइयां हमारे देश में आ रही है, तो इस टाइप का कोई काम नहीं था। और कुछ एक अगर नियम था भी, जैसे ओपीएम एक्ट था 1878 में ही आ गया था, पॉइजन एक्ट 1919 में ही आ गया था, डेंजरस एक्ट 1930 में भी आ गया था, लेकिन इन तीनों एक्ट के तहत बहुत सारे चीज छूट जा रहे थे। जैसे कि मान लीजिए ओपीएम एक्ट है, सिर्फ वही ओपीएम से निर्मित दवाइयां ही को ही टेस्ट कर रहा था, बाकी जो ओपीएम नॉन ओपीएम प्रोडक्ट था उस पर इसको कोई कंट्रोल नहीं था। पॉइजन एक्ट जिससे लोग मर रहे थे तो वही सिर्फ दवाइयां आ रही थी, बाकी दवाइयां नॉर्मल थी। डेंजरस ड्रग एक्ट आया 1930 में, उसमें जो दवाइयां आदमी को हानिकारक कर रही थी, बाकी सब, बाकी पे कोई दिक्कत नहीं था, बाकी सब दवाइयां धड़ल्ले से मार्केट में बिक रही थी। तब इस कैओटिक सिचुएशन से निकलने के लिए 1927 में एक रिजोल्यूशन पास हुआ गवर्नमेंट जर्नल्स के तहत, जिसमें कहा गया कि कुछ ना कुछ कंट्रोल होना चाहिए, दवाइयों पे कंट्रोल होना चाहिए, लोगों के सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, ये जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ ड्रग्स हो रहा है तो इसको रोकना चाहिए, और ड्रग के स्टरलाइजेशन के लिए, उसके प्यूरिटी चेक करने के लिए, सेल्स पे कंट्रोल करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कंट्रोल करने के लिए कोई एक कमिटी होनी चाहिए, तो कुछ एक लेजिस्लेटिव कंट्रोल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जरूरत पड़ा देश को लेजिस्लेटिव कंट्रोल होने का, फार्मास्यूटिकल कंट्रोल होने का, लेजिस्लेशन का जरूरत पड़ा हमारे देश में। तो जब जरूरत पड़ा तो कुछ ना कुछ काम करेगा सरकार। तो 1928 में क्या हुआ कि यही सब देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी को अपॉइंट किया, जिसको बोलते हैं ड्रग इंक्वायरी कमेटी, या फिर चोपड़ा कमेटी भी बोलते हैं। ड्रग इंक्वायरी कमेटी को चोपड़ा कमेटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो हेड थे, कमेटी के जो चेयरमैन थे, वो थे कॉलोनल आर एन चोपड़ा, इसलिए इसका नाम चोपड़ा कमेटी भी पड़ा। तो उसके बाद हमारे देश में क्या हुआ कि बहुत सारे कमेटी बने, बहुत सारे कमेटी, हमेशा टाइम टू टाइम नए नए कमेटी बने। कमेटी का काम क्या था, सुझाव देना देश को किस टाइप से लेजिस्लेशन अच्छे से चले उस मैटर में सुझाव देना। तो पहला हमारा जो कमेटी बना वो चोपड़ा कमेटी बना, आर एन चोपड़ा के चेयरमैनशिप में, जिसको हम लोग ड्रग इंक्वायरी कमेटी बोलते हैं। अब इस चोपड़ा कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिया, जरूरी नहीं कि जो एक बोर्ड मेंबर्स बैठते हैं, जैसे कोई भी इंडस्ट्री बोर्ड मेंबर्स ने अपने बहुत सारे सुझाव दिए कि हाँ कंपनी के हित में ये काम करना चाहिए, तो सेम लाइक यहाँ पे भी चोपड़ा कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस दिए, अपने विचार रखे। इसमें से क्या हुआ कि सरकार ने लगभग सारे विचार मान लिए और उसको इम्प्लीमेंट भी किया पूरे देश में। तो अब रिकमेंडेशंस क्या है हम देखते हैं। तो चोपड़ा कमेटी का पहला रिकमेंडेशन था कि एक सेंट्रल लॉ होना चाहिए हमारे देश में, पूरे देश में एक सेंट्रल लॉ होना चाहिए जो पूरे देश के फार्मेसी प्रोफेशंस को रेगुलेट कर सके। दूसरा क्या किया कि अब यहाँ पे कोई चेकिंग वेकिंग नहीं होता था दवाई का, कोई क्यूसी में नहीं जाना, सीधा मार्केट में आना है बन के। तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने एक सुझाव दिया कि हमारे पास एक सेंट्रल लेबोरेटरी होना चाहिए चेक करने के लिए, दवाइयों को चेक करने के लिए, एज वेल एज
सारे स्टेट में होना चाहिए, एक तो सेंट्रल में है, कोई डिस्प्यूट हुआ तो वो सेंट्रल में गया, प्लस सारे स्टेट में होना चाहिए। अगर सेंट्रल में सिर्फ एक रहेगा तो पूरे देश से अगर जाएगा तो वहां पे बहुत काम लोड बढ़ जाएगा, जल्दी हो भी नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि हर एक स्टेट में एक एक टेस्टिंग लेबोरेटरी होना चाहिए जहाँ पे दवाइयों का QC चेक हो, क्वालिटी चेक करे। उसके अलावा एक सेंट्रल में होना चाहिए, और इसका अथॉरिटी किसको दिया? सेंट्रल वाले का गवर्नमेंट को दिया, और जो लोकल गवर्नमेंट है स्टेट वाले का लोकल गवर्नमेंट को दिया। उसके बाद क्या हुआ कि हमेशा गवर्नमेंट को जानकारी देने के लिए, सुझाव देने के लिए हमेशा एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन करने लग के लिए बोला कि हमेशा आप एडवाइजरी बोर्ड का गठन कीजिए, हमेशा नया नया एडवाइजरी बोर्ड का गठन कीजिए। उसके बाद क्या है कि अभी तक जो भी दवाइयां बेच रहे थे, जो भी दवाइयां दे रहे थे इंडिजिनियस सिस्टम के तहत है, ये दवाइयां बना रहे थे, वो कोई क्वालिफाइड पर्सन नहीं थे, उनके पास कोई डिप्लोमा की डिग्री नहीं था, कोई बी फार्मा की डिग्री नहीं था, बस वैसे ही, वैसे ही 10वां पास है, फेल है, कोई फर्क नहीं पड़ना, दवाई बनाने आ रहा है, बना रहे। तो अब यहाँ पे क्या कर दिया क्या कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फार्मासिस्ट का ट्रेनिंग होना चाहिए, प्लस एक कोर्स होना चाहिए जिसमें कि फार्मासिस्ट बनाया जाए, उसको ट्रेन किया जाए, उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया जाए। उसके बाद क्या किया कि हमारे देश में जब पूरे दवाइयों का बौछार हो गया था, तो अब एक और इन्होंने क्या सुझाव दिया कि जितने भी पेटेंट दवाइयां आ रही हैं या प्रोप्रिएटरी मेडिसिन आ रही है, इंडिया में बने या एक्सपोर्ट हो गया, इम्पोर्ट आके हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं है, सारे का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मतलब इंडिया में जितनी भी दवाइयां हैं सभी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सरकार के पास ये डाटा होना चाहिए कि हमारे देश में ये दवाइयां चल रही हैं, ताकि किसी का भी इल इफेक्ट आए तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो सके। उसके बाद क्या है कि पहले हमारे देश में क्या था, इंडिजिनियस होम्योपैथिक टाइप का, आयुर्वेदिक टाइप का बहुत था, लोगों को जानकारी, लोगों के पास कोई पद्धति नहीं था, कोई जानकारी नहीं था, कोई शिक्षा भी नहीं था, फिर भी अपना इलाज को खुद कर रहे थे। तो इंडिजिनियस सिस्टम को क्या बोला कि इंडिजिनियस सिस्टम गुड है, बट कोई क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो इंडिजिनियस सिस्टम ट्रीटमेंट का है, खुद से, पहले के जमाने में क्या था कि प्लास्टर नहीं किया जाता, हाथ टूट गया प्लास्टर नहीं किया, उसको लकड़ियों से बांध के कुछ कर दिया जाता था, इससे तो इंडिजिनियस सिस्टम उसको बोलते हैं। तो उसको अपने कंट्रोल में करने का, उसको अपने कंट्रोल में करने का। उसके बाद हमारे देश में जो क्रूड ड्रग्स बाहर ले जाए जा रहे थे, वहां से फिनिश प्रोडक्ट बन रहे थे, प्राइसेस का बहुत ज्यादा हाइक हो रहा था, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए क्या कहा गया, नया रिकमेंडेशन दिया गया कि ड्रग इंडस्ट्री हमारे देश में ही बने, क्रूड ड्रग्स तुम्हारे देश में भरा पड़ा है, तो हम अपने उसका मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में क्यों नहीं करें। तो वो एक और पॉइंट रखा गया, नया रिकमेंडेशन दिया गया। उसके बाद क्या है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है मेडिकल स्टोर्स में वो घटाया जाए। अब मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल स्टोर में क्या है, तो मैंने पहले ही पॉइंट में बताया कि हमारे देश में पहले क्या होता था कि सारा कुछ डिस्पेंसिंग हमारे मेडिकल स्टोर में होते थे, सारे पाउडर्स को मिला के उसको डिस्पेंस किया जाता था, बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज हो जाते थे, बहुत सारा कॉन्टामिनेशन के चांसेस रहते थे, तो वो चीज को घटा दिया गया, घटाने के लिए बोला। अब हमारे मेडिकल में उसको क्या सुझाव दिया कि जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है वही बिका जाए, इंस्टेंट में नहीं बनाए, तो जो प्रोडक्ट्स पहले से बनाए जाए, इंडस्ट्री से बना के लाए और मेडिकल में बेचे, तो वो रिडक्शंस करें। उसके बाद क्या है कि प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए पूरे देश में। तो उन्होंने एक और दिया कि हमारे देश में इंडियन फार्माकोपिया लाया जाए, उसको कंप्लीट किया जाए, OC का प्रोटोकॉल पूरा किया जाए, तो पूरे देश में एक प्रोटोकॉल चले इंडियन फार्माकोपिया के तहत मेडिसिन का बनाया जाए। तो ये सारे रिकमेंडेशन थे चोपड़ा कमेटी के। तो अब सरकार क्या क्या एक्शन ली, सरकार को ये सारा डाटा गया, तो सरकार ने सारे पॉइंट्स को वैलिडेट किया, सारे पॉइंट्स को लगभग माना, और उसके लिए कानून बनाए। तो क्या क्या कानून बनाए, पहला था कि सेंट्रल लाओ होना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने ड्रग एक्ट बनाया 1940 में। और ये क्या किया कि इंपोर्ट रहे, मैन्युफैक्चर रहे, डिस्ट्रीब्यूशन रहे, ड्रग्स के सेल्स रहे, उसको रेगुलेट किया। उसके बाद क्या किया, फार्मेसी प्रोफेशंस को रेगुलेट करने के लिए फार्मेसी एक्ट बनाया 1948। सारे देश में उन्होंने कहा था, रिकमेंडेट किया था कि सारे देश में टेस्टिंग लेबोरेटरी होना चाहिए, सारे स्टेट में होना चाहिए। उन्होंने भी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी सेटअप करवाया स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे भी किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए जो हमेशा हर बात सरकार को नया नया सुझाव दे, तो उसके लिए उन्होंने दो सेटअप किया, DTAB और DCC, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, दो तरह के कमेटी इन्होंने गठन किया।
उसके बाद क्या है कि इन्होंने एक कहा था कि इंडिजीनियस सिस्टम को अपने कंट्रोल में लाना चाहिए, तो इन्होंने भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत इंडिजीनियस और होम्योपैथिक सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद इन्होंने कहा था कि जितनी भी दवाइयां हैं पेटेंट सभी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इन्होंने रजिस्ट्रेशन को मस्ट कर दिया। जो भी ड्रग्स या फॉर्मुलेशंस दवाइयां बिक रही हैं इंडस्ट्री में वो सारे रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद फिर इंडिया में ग्रोथ करने के लिए इन फार्मास्यूटिकल बहुत सारे काम किए इन्होंने, आईपी को डेवलप्ड किया गया और जो भी फॉर्मुलेशन रहा वो सारे स्टैंडर्ड क्वालिटी का बनाया गया। अब यहाँ पे एडल्ट्रेटेड सब स्टैंडर्ड जो भी था उसको कम कर दिया गया, स्टैंडर्ड क्वालिटी वाले को ही अब जगह मिला। तो ये था ड्रग इंक्वायरी कमेटी। उसके बाद नेक्स्ट आया भोर कमेटी। तो अब भोर कमेटी आया, दो तीन कमेटी और आया तो उसको भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक और क्या आया, हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी, वोर कमेटी। वोर कमेटी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो चेयरमैन थे वो सर जोसफ बोर थे। तो इन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशन की एडवाइजरी बोर्ड के तहत इन्होंने भी कहा कि अब सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी बनना चाहिए, हमारे देश में एक काउंसिल बनना चाहिए पूरे को रेगुलेट करने के लिए। लाओ तो बना, एक काउंसिल भी बनना चाहिए दैट इज पीसीआई अभी जो है। उसके बाद क्या है कि रिवाइज कोर्स होना चाहिए। इससे पहले जो आरएन चोपड़ा जी ने रिकमेंडेशंस दिया था उन्होंने कहा था कि एक कोर्स होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस के लिए। अभी हमने उन्होंने कहा कि अलग अलग कोर्स होना चाहिए फार्मेसी में डेवलप करना चाहिए, तो अलग अलग कोर्स आ गया, डी फार्म आ गया, बी फार्म आ गया, एम फार्म आ गया, लगभग लगभग अलग अलग। उसके बाद क्या आना चाहिए कि जो हमारा कानून बना वो एकदम सख्तता से पूरे देश में पालन होना चाहिए। कानून बनने से मतलब नहीं है, बट उसके लिए पेनल्टीज भी आपको लगाना पड़ेगा तभी जो जाके लोग कानून मांगेंगे। तो ने कहा कि इन्फोर्समेंट के साथ पूरे देश में ये कानून लागू होना चाहिए, सिर्फ कानून बनने का मतलब नहीं है। उसके बाद क्या है कि जो भी अब ड्रग हैंडलिंग का काम हो रहा है वो सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा होगा, एटलीस्ट डिप्लोमा वाले पर्सन के द्वारा होगा। उसके बाद क्या है कि फार्मेसी के प्रोफेशंस को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे डिसिप्लिनरी कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद एक फार्मासिस्ट को रजिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ नियम होना चाहिए। तो ये सब चीज दिया और इसमें बहुत सारे सरकार ने इसके पॉइंट्स भी मान लिए। उसके बाद एक और कमेटी आया जिसको हम लोग भाटिया कमेटी बोलते हैं। तो आपके लिए मेरे लिए एग्जाम के लिए चोपड़ा कमेटी और बोर्ड कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके रिकमेंडेशन जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आया भाटिया कमेटी। तो भाटिया कमेटी 1953 में एसएल भाटिया के अंतर्गत हुआ था। इन्होंने मेनली क्या किया कि अभी अब थोड़ा फार्मासी से छोड़ के इकोनॉमिक तरीके इधर बढ़े कि हेल्थ केयर डिलीवरी होना चाहिए। तो यहाँ पे फार्मासी वाले पॉइंट को छोड़ के जनरली यहाँ पे इन लोग ने अपना सुझाव रखा कि हमारे पीएचसी होना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो ये सब पे ज्यादा ध्यान दिया। हेल्थ कंडीशन को सुधारने के लिए इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। उसके बाद आया मुदालियर कमेटी। तो मुदालियर कमेटी जो आया वो 1962 में आया। तो अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे गया कि हॉस्पिटल हमारे यहाँ अच्छा होना चाहिए, प्राइमरी लेवल तक का एटलीस्ट हॉस्पिटल हमारे पास अच्छा होना चाहिए। फैमिली प्लानिंग को इन्होंने फर्स्ट टाइम डेटा में रखा कि हमें फैमिली, हमारा पॉपुलेशन जो इतना ज्यादा विस्फोट हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग का सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि रूरल एरियाज का हेल्थ सर्विसेज सुधारने के लिए बहुत सारे कैंपेन चलाए गए। तो ये सब पॉइंट था हमारा मुदालियर का। उसके बाद आया हाथी कमेटी। तो हाथी कमेटी क्या आया कि जय सुखलाल हाथी जी के चेयरमैनशिप में ये आया। अब इन्होंने क्या किया, अभी तक भी मुडालियर और इससे पहले जो आपने पढ़ा भाटिया कमेटी, ये हेल्थ पे कंसंट्रेटेड था। ये जो हाथी कमेटी आया ये फिर कंसंट्रेटेड कहाँ हो गया, हेल्थ के साथ इंडस्ट्री पे। ये टोटल इंडस्ट्री पे कंट्रोल पे आ गया, ड्रग्स पे आ गया कि दवाइयों पे एक नियम होना चाहिए कि उसके प्राइस को कंट्रोल करना चाहिए, इंडस्ट्री का मनमाना कीमत नहीं होना चाहिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए नियम होना चाहिए, फॉरेन से जो दवाइयां आ रही है उसके लिए नियम होना चाहिए, कानून होना चाहिए, जो इंडिजीनियस सिस्टम है हमारे देश में उसको बढ़ावा देने के लिए नियम होना चाहिए। तो इन्होंने दवाइयां और इंडस्ट्री के लिए रिकमेंडेशंस किया। तो ये सारे थे हमारे आज के टॉपिक के, फार्मास्यूटिकल्स लेजिस्लेशन की जरूरत क्यों पड़ी और डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन ड्रॉप करेंगे, और सारे नोट्स के लिए आप टेलीग्राम वाले चैनल्स को डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है उसको फॉलो करें। थैंक यू।